इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, आज राजस्थान का पूर्ण बजट जारी हो चुका है और पूर्ण बजट में कौन सी नई योजनाओं का उल्लेख किया गया है उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान बजट 2024-25 से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। और इन योजनाओं की PDF जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जहाँ आपको इन योजनाओं की PDF देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी योजना, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सबसे पहली जो योजना है वो आपकी शुरू होने वाली है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। अब ये योजना क्या है तो आइए देखते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान जैसे वृद्ध और विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्याएं और आवश्यकताएं हैं, इनके प्रभावी निस्तारण और क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है। यानी कि अब राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर प्रत्येक जिले की अलग अलग समस्या होती है और उनकी आवश्यकताओं को कंप्लीट करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर एक योजना शुरू की जा रही है। वो योजना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। योजना अंतर्गत जन सहभागिता के कार्य प्राथमिकता से करवाए जाएंगे तथा क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेषज्ञों की मिशन टीम भी गठित की जाएगी। तो पहली जो योजना है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना है, जो कि शुरू की जाएगी, ऐसा बजट पूर्ण बजट में उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है आपकी जो योजना, वो है ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना। ये क्या है, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की जाती है। यानी कि जो पूर्वी राजस्थान के दूर इलाके के क्षेत्र हैं उनके क्षेत्र में विकास के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की जा रही है। साथ ही डांग, मगरा, मेवात और ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना हेतु इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपये की उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कौन सी योजना शुरू हो रही है नई, यानी कि कौन सी नई योजना का उल्लेख किया गया, और शॉर्ट में एक लाइन में बताऊंगा कि योजना है वो किसके अंतर्गत है। बाकी विस्तार से जानने के लिए इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नंबर की जो योजना है वो है आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इस योजना की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि केंद्र की सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में क्रांतिकारी पहल की थी। यानी कि केंद्र सरकार में जो आयुष्मान भारत योजना है, इसी क्रम में अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए IPD के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की व्यवस्था की गई है। माँ योजना इसका शॉर्ट नेम है, तो आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि माँ योजना में ए का अर्थ क्या हुआ या एम का अर्थ क्या हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये माँ योजना है इसकी फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना उसी के तर्ज के आधार पर अब राज्य में शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ IPD के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए ये आपके बजट पूर्ण जो 2024-25 का है इसमें इस योजना का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपकी जो योजना का उल्लेख किया गया है वो है, आप देख सकते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना। क्या है ये योजना, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ, प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास को गति देने के साथ ही हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि दूरस्थ क्षेत्रों तथा वंचित वर्ग के सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हो। इसी क्रम में प्रथम चरण के रूप में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाएं जैसे इंटरनल रोड हुआ, पेयजल हुआ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुआ आदि के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श विकास योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना है, ये वहाँ पर शुरू की जा रही है प्रथम चरण के रूप में, जहाँ पर 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव हैं और लेकिन फिर भी वहाँ पर रोड है, पेयजल हुआ या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, इन सब में दिक्कत आ रही है।
तो वहाँ के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ इस योजना को शुरू किया जा रहा है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सी योजना शुरू की गई है, वो किससे उल्लेख उसका उल्लेख किससे किया गया है, इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, तो एग्जाम में आपको किसी भी रूप में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपकी योजना है गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। अब ये योजना क्या है इसके बारे में भी बताते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में निवारस जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि प्रदेश में जो TSP में निवासरत जनजाति के परिवार हैं उनके विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान के साथ इस योजना को शुरू किया जाएगा। यानी कि गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया बजट में, तो 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत आदिवासियों के जल जंगल जमीन से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे दिए जाकर आंगनवाड़ी चारागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक कार्य है वो करवाए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट योजना है आपके सामने वो है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ये भी आपके केंद्र सरकार की योजना जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उसके तर्ज पे शुरू की गई है। क्या योजना है उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह राजस्थान के टॉपिक वाइज करंट अफेयर के वीडियो करवाए जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संपूर्ण देश के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद और असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने की घोषणा की गई। यानी कि जैसे सेंटर में आपके स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू की गई है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, उसी तरह अब राज्य में शहरी और क्षेत्रों कस्बों में भी इस असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है पूर्ण बजट में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को रोजगार लाभार्थियों को राहत दिए जाने के उद्देश्य से 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की घोषणा की जाती है। इसके बाद आपके लिए पास लिखा हुआ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना। इसमें लिखा हुआ है कि स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डी नोटिफाइड ट्राइबल्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। स्थायी आश्रय और आवास से जो वंचित है जिनका घर नहीं है और या फिर उनका रहने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है उनके लिए मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 30 जनवरी 2024 को राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का उत्तर देते समय की गई पाक विस्थापितों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा के क्रम में ऐसे परिवारों हेतु भी 1,00,000 रुपये प्रति परिवार की सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद जो नेक्स्ट योजना का उल्लेख किया गया है वो लखपति दीदी योजना का उल्लेख किया गया, जो कि आपने बजट 2024 का जो पहले चुनाव से पहले बजट घोषित किया गया था उसमें भी इस योजना का उल्लेख किया गया। लेकिन इस योजना में अभी क्या पहले 5,00,000 महिलाओं को शामिल किया गया था, लेकिन अब इस बजट पूर्ण बजट में 5,00,000 से बढ़ाकर यह संख्या कर दी गई है, 15,00,000 महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाना प्रस्तावित है। यानी कि 10,00,000 और महिलाओं को ऐड किया जाना प्रस्तावित है, ऐसा इन्होंने पूर्ण बजट 2024-25 में उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लखपति दीदी योजना के अंतर्गत कि हमने 5 वर्षों में 2,00,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन का संकल्प लिया है। प्रथम चरण में इस वर्ष 25,000 समूहों को रिवॉल्विंग फंड और 15,000 समूहों को आजीविका संवर्धन राशि उपलब्ध करवाते हुए 40,000 नवीन SHG गठित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपये का व्यय होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर 2.5% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाना प्रस्तावित है। जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा लखपति दीदी योजना के अंतर्गत। इसके बाद जो आपकी एक आता है ये योजना नहीं है ये एक पुरस्कार है, ऐसा पूछा जा सकता है कि बिशन सिंह शेखावत पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है या किस श्रेणी में दिया जाएगा, ऐसा बजट में उल्लेख किया गया है। तो ये पत्रकारिता श्रेणी में दिया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि न्यूनतम जो एज है वो 45 वर्ष होनी चाहिए और जो
अनुभव है वो कितने वर्ष का होना चाहिए, 15 वर्ष का होना चाहिए। तो इसके तहत एक योजना शुरू की जा रही है पत्रकारिता में, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु एक पृथक योजना शुरू की जाएगी, वो है निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को जल कल्याणकारी योजनाओं के प्रसार प्रचार में जोड़ने के लिए कौशल पर आधारित नव प्रसारक नीति भी लाई जानी प्रस्तावित है। नेक्स्ट आपकी कौन सी योजना है, नेक्स्ट आपकी है स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना। ये क्या है, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गत सरकार द्वारा किसानों को निश्चित समय अवधि में कृषि विद्युत कनेक्शन देने का आश्वासन देकर भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा मौके पर ट्रांसफार्मर आदि आवश्यक सामान की भी पूर्ति नहीं हो सकी। इस कारण प्रदेश का किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान साथियों की समस्या को देखते हुए किसानों के कृषि कार्य के लिए 31 मार्च 2024 तक लंबित विद्युत कनेक्शन आवेदन की पेंडेंसी समाप्त करने की दिशा में इस वर्ष लगभग 1,45,000 विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही किसान भाइयों की सुविधाओं के लिए कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू की जाएगी। यानी कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना जो शुरू की गई वो किससे संबंधित है, तो किसानों से संबंधित है। नेक्स्ट जो आपके सामने योजना का उल्लेख किया गया है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना। क्या है ये जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्रदेश में कृषि और हॉर्टिकल्चर की परियोजना त्वरित और समयबद्ध रूप से लागू करने, कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाने, कृषि कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना का गठन कर लागू करने की घोषणा की गई है। इस वर्ष राज केवीवाई हेतु 650 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाना प्रस्तावित है। यानी कि जिस तरह से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसी तरह अब राज्य में राजस्थान कृषि विकास योजना भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। अब मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है और यही आपकी लास्ट योजना है, तो आइए देखते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गत सरकार द्वारा प्रदेश में पशुपालकों के लिए पशु बीमा योजना की मात्र कागजी घोषणा ही की गई है। अब मैं पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए चरणबद्ध रूप से दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा करते हूँ। इसके अंतर्गत प्रथम 5-5 लाख दुधारू गाय या भैंस, 5-5 लाख भेड़ या बकरी तथा 1 लाख उष्ट्रवंश यानी कि ऊँट का बीमा किया जाएगा। इस पर कुल 400 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, यह पशुपालकों के लिए योजना है। तो ये थी आपकी राजस्थान के जो पूर्ण बजट 2024-25 आज जारी किया गया था उसमें जो राजस्थान की नई योजनाएं शामिल की जाएगी उसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। और बाकी पहले चरण में जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 7 एग्जाम आयोजित करवाए गए थे उनमें से आपने कौन सा एग्जाम दिया और आपका क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर सूचना सहायक का एग्जाम दिया तो क्या उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट में नाम आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।